हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने जो भी चैप्टर्स मैंने अपडेट किए हैं वो सब पढ़ लिए होंगे, लेक्चर सुन लिया होगा। एंड अभी तक कोई क्वेरीज आई नहीं है, दैट मींस कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो बिल्कुल ही एकदम क्लियर होगा आप लोगों के सारे पॉइंट्स, या तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर वाला कंडीशन होगा। इस लॉकडाउन में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बट होप सो फर्स्ट जो मैं सोच रही हूँ, जो फर्स्ट मेरी थिंकिंग है वो हो। सो बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम आज से शुरू करने वाले हैं पोइट्री पोर्शन। उसके बाद हम दूसरी बुक पे जाएंगे एंड वो होंगी आपकी स्नैपशॉट्स। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जो स्पेशली पोएटिक डिवाइसेस बेस्ड होगा एंड 9th to 12th सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। एंड अलंकार का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हम और भी ज़्यादा खूबसूरती से लिख सकें किसी भी वाक्य को या पीस ऑफ आर्ट को, और ब्यूटिफाई कर सकें। लेकिन बेटा, जब तक मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, उससे पहले जब भी मैं कोई भी आपको पोएम पढ़ाऊँगी, सो जो भी पोएट्री डिवाइसेस उस ऑथर ने यूज़ किए होंगे, मैं आपको उसी टाइम पे बता दूँगी कि ये चीज़ें हैं। और जल्द ही मैं कोशिश करूँगी पोएट्री डिवाइसेस की अलग से एक वीडियो को अपलोड करने की। ये जो पोएम है बेटा, इस रिटन बाय शेली टॉल्सन। एट द एज ऑफ 94 शी डाइड ऑलरेडी, और अपने टाइम में एक जर्नलिस्ट भी रही हैं। बेसिकली उन्होंने अभी तक जो अपनी लाइफ में 4 to 5 नॉवेल्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं, और ज़्यादातर उनकी जो मेन जो थीम होता था उनके बुक्स का, वो कंट्री साइड सोसाइटी पे होता था, वहाँ के कैसे सोशल रूल्स हैं एंड डिकोरम है, उन चीज़ों पे लिखा करती थी वो। और आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर अबाउट हर। सभी ऑथर की एक अलग स्पेसिफिक स्टोरी होती है एंड पर्सनालिटी होती है, एक अलग थीम, एक अलग जॉनरा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो मैं शेली टॉल्सन के बारे में आपको बताऊं और आपके एग्जामिनेशन में वो चीज़ काम आए। सो हम बहुत ज़्यादा डाइव इन नहीं करेंगे उनकी स्टोरी में, एंड डायरेक्टली हम पोएम पे आएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, मैं आपको बता दूं कि बेटा, इस पोएम का जो थीम है, मेन जो थीम है जिसके अराउंड पूरी ये जो स्टोरी है या ये जो पोएम है लिखा गया है, ट्रांजेंस ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग टेम्प्ररी होते हैं ना बेटा, लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं ना। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम सबको मरना है। हमारे मरने से पहले ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम मौत का सामना करते हैं। एंड मौत का सामना कैसे करते हैं, जब हम अपने अपनों को खोते हैं। तो यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग दिखाई गई है बिटवीन मदर एंड डॉटर। एंड जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स को खोता है, उसकी फीलिंग्स क्या है एंड किस तरीके से वो पेन में होते हुए भी उसको एक चीज़ पता होती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ पता होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ डेथ। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, हम कितनी भी कोशिश करें हम मौत के आगे नहीं जीत सकते हैं। एंड इसमें एक और कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक और थीम डिस्कस किया गया है, एंड दैट इज़ बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। अगर अगर हम बात कर रहे हैं टेम्प्रेरीनेस की ह्यूमन बींग की, सो हम बात करेंगे नेचर के परमानेंस की भी। अगर एक इम्परमानेंस है तो दूसरा परमानेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, सॉरी लेट्स स्टार्ट द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैटलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। बेटा यहाँ पर एक पिक्चर है, फोटोग्राफ मतलब कि एक पिक्चर है, एक इमेज है जो पेस्ट किस पे किया गया है, कार्डबोर्ड पे पेस्ट किया गया। पहले के टाइम के लोग जो फोटोज़ बहुत पतले हुआ करते थे, इसीलिए ज़्यादा टाइम तक वो रह सके इसलिए वो लोग कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर दिया करते थे, स्टिक कर दिया करते थे और कहीं लगा दिया करते थे। एंड जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना, एक मेमोरी के फॉर्म में होते हैं ना बेटा, लोग चले जाते हैं लेकिन उनके फ़ोटोज़ को देखकर हम उन तमाम पलों को याद करते हैं। और
बिटर स्वीट वाली मेमोरी होती है। अफसोस होता है कि उनके साथ हम अब वक्त नहीं बिता सकते हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि किसी टाइम पे वो हमारे साथ हुआ करते थे। कार्डबोर्ड बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन लिटरेचर देयर आर टू मीनिंग्स, द फर्स्ट वन इज सर्फेस एंड द सेकेंड वन इज डीपर। सर्फेस लेवल की अगर हम बात करें तो एक फोटोग्राफ की बात हो रही है जो पेस्ट है कार्डबोर्ड पे, लेकिन कार्डबोर्ड की अगर हम डीपर मीनिंग को देखेंगे तो पोएट ने कार्डबोर्ड को क्यों यूज़ किया है। कार्डबोर्ड ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता ना, किसी टाइम पे धीरे धीरे ख़राब होने लगता है एंड बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो यहाँ पे कार्डबोर्ड डिनोट्स दैट की लैक ऑफ ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जैसे कि ह्यूमन का जो ड्यूरेशन होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कार्डबोर्ड का भी ड्यूरेशन होता है, एग्जिस्टेंस होता है, वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, एक टाइम के बाद बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, फटने लगता है एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो हर पोएम में या कोई भी पीस ऑफ आर्ट में बेटा हर चीज़ की एक डीपर मीनिंग होती है और हमें उस डीपर मीनिंग पे डाइव इन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम लिटरेचर का या उस पोएम के रियल एसेंस को समझ पाएंगे। सो यहाँ पे जो एक फ़ोटोग्राफ है जो कार्डबोर्ड पे पेस्ट किया गया है एंड जो डॉटर है वो जो देख रही हैं, उस फोटोग्राफ में कौन है, दो लड़कियाँ हैं जो कज़िन्स हैं एंड वो पैडलिंग के लिए गई हैं। पैडलिंग मतलब बेटा कि जो आप समुद्र की जो लहरें आती हैं ना उसमें आप दो तरह की, एक तरह से दो तरह की मीनिंग हो सकती है, या तो जो कज़िन्स हैं वो पानी के बीच में लहरों से वो अपने पानी अपने पैरों को टच कर रहे हैं एंड उसमें खेल रहे हैं, एंड एक पैडलिंग होती है बोटिंग, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उस कार्डबोर्ड में ये शो कर रहा है कि वहाँ पे वो लोग बीच के पास हैं एंड इन्जॉय कर रहे हैं, एंड दोनों जो गर्ल्स हैं वो मेरी मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों कज़िन्स किसके हैं, उनके मदर के कज़िन्स हैं, ठीक है, एंड शी द बिग गर्ल, एंड जो मेरी मदर है जो बिग गर्ल हैं सम 12 ईयर्स और सो, उनकी मदर उस फोटोग्राफ में कितने साल की हैं, 12 साल की हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर ईयर एट द अंकल विद द कैमरा। जैसे हम जाते हैं ना मस्ती वस्ती करने के लिए एंड अपने बड़ों के साथ किसी के साथ एंड उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम फोटोज़ वहाँ पे क्लिक करवाएं। मे बी हम वो टाइम दोबारा नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन फोटोज़ को देखकर हमें खुशी मिलती है। सो उनकी मदर एंड उनकी मदर के दोनों कज़िन्स अपने अंकल के साथ, अपनी जो उनकी मदर उनके अंकल के साथ वो लोग बीच पे गए हैं सर्फिंग करने के लिए, पैडलिंग करने के लिए, इन्जॉय कर रहे हैं एंड वो लोग पिक्चर क्लिक करवाएं एंड स्माइल कर रहे हैं। पिक्चर जो है उसमें वो लोग स्माइल कर रहे हैं एंड शायद उस टाइम पे बहुत हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से उनके जो बाल हैं उनके चेहरे पर आ रहे थे, एंड कैमरा किसके पास था, पिक्चर कौन क्लिक कर रहा था, उनके अंकल क्लिक कर रहे थे। ये अभी उस फोटोग्राफ का डिस्क्रिप्शन है बेटा, जो डॉटर जिसने अपनी मदर को लूज़ किया है वो उस फोटो को देख रही है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज द टेरिबली ट्रांजेंट फीट। अब यहाँ पर क्या देख रही हैं कि उस फोटो में जो मेरी मदर है वो बहुत ही 12 ईयर्स हैं, अब डेफिनेटली डॉटर अभी उनकी पैदा नहीं हुई होंगी, एंड बहुत ही क्यूट तरीके से बहुत ही स्वीट फेस है उनका, बहुत इनोसेंस है, फुल ऑफ इनोसेंस, एंड वो कहाँ पे खड़े हैं, वो बिल्कुल ही सी के पास, समुद्र के पास खड़े हैं एंड समुद्र का क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो समुद्र जो कम बदलता है या जो ना के बराबर बदलता है, एंड जो समुद्र वो किससे टच हो रहा है, उनके फीट से टच हो रहा है जो ट्रांजेंट है। ट्रांजेंट मतलब बेटा क्वालिटी ऑफ बीइंग टेम्प्ररी। सो उनका जो फीट है, जो ह्यूमन बीइंग है ऑन द होल, वो क्या है, वो आज है कल नहीं रहेगा। ह्यूमंस कम एंड गो ना, बट नेचर ऑलवेज रिमेन्स। सो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है बेटा बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। जो नेचर है वो आज भी है, आज भी अगर वो बीच पे जाती उनकी डॉटर तो अभी भी एग्जिस्टेंस है, बट उनकी मदर नहीं है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ पे पता चलता है कि अगर हम उस फोटोग्राफ की बात करें जो फोटोग्राफ देख रहे हैं उससे अगर हम 20 या 30 साल आगे बढ़ते हैं, सो कोई उस फोटोग्राफ को देख रहा है एंड वो कोई कौन है, डॉटर जो है उनकी मदर है, जो नैरेटर हैं
उनकी मदर हैं एंड वो बता रही हैं उस फोटोग्राफ को देखकर खुश हो रही हैं एंड बता रही है अपनी डॉटर को, अरे ये देखो बेटी एंड डॉली, तो कजिन्स का नाम क्या है, एक का नाम बेटी है और एक का नाम डॉली है। एंड उस फोटोग्राफ को देखकर कह रही हैं कि देखो हमारे पेरेंट्स ने कितने अच्छे से ड्रेसअप करके हमें बीच पे भेजा था एंड हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंड अब ऑथर जो है, सॉरी जो नैरेटर है, जो डॉटर है, वो क्या बोल रही हैं कि जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास था एंड जो उनका लाफ था, जो वो हंस रही थी उस फोटोग्राफ को देखकर, वो मेरा पास था। दोनों ही में यहाँ पर अब उनके पास मदर नहीं है, लेकिन उस वो टाइम की बात कर रही हैं जब मदर अपनी मेमोरीज को याद कर रही थी, अपने बचपन को याद कर रही थी जो उन्होंने लूज कर दिया था, बड़े हो गए थे वो। एंड जो डॉटर है वो किसको याद कर रही हैं, उस पल को याद कर रही हैं जब उसकी मदर जो थी वो उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी। अगर हम दोनों इंसिडेंट की बात करें, यहाँ पर डॉटर अपनी मदर को याद कर रही हैं एंड एक टाइम पर जो मदर थी वो अपनी मेमोरीज को याद कर रही थी, अपने चाइल्डहुड को याद कर रही थी। बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही डिसअपॉइंटेड थे। उनकी मदर क्यों डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड को लूज कर दिया था। नथिंग रिमेन्स फॉर एवर ना बेटा, एक लाइफ साइकिल होता है, एक बच्चा फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है एंड फिर मर जाता है, एक लाइफ साइकिल चलता आया है। सो उनकी मदर उस टाइम को याद करके अपसेट थी कि काश वो पल फिर दोबारा आ जाए, बट उनको पता था कि वो नहीं आएगा। एंड डिसअपॉइंटमेंट डॉटरों को क्यों थी कि काश वो हंसी जो उस फोटोग्राफ के टाइम पे उनकी मदर हंस रही थी, काश वो फिर आ जाए जो उनकी मेमोरी बन गया था, वो नहीं आ सकता। दो बेटा ये लाइन जो यूज़ हुआ ना, लेबर्ड इज विद लॉस, इसका मतलब क्या है कि दोनों ने ही लूज कर दिया था एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल से पाई थी बट बहुत ही ईजिली छिन गई। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब क्या होता है बेटा, लेबर्ड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत मुश्किल से हम लाइफ में हैप्पीनेस वाले जो मोमेंट है ना वो ग्रैस्प कर पाते हैं एंड हमें पता भी नहीं चलता है कि कितने ईजिली हम लूज कर देते हैं। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम साथ में बैठे हुए हैं एंड अगले ही पल हमें पता चलता है कि हम में से कोई नहीं रहा। कितनी ईजिली लाइफ जो होती है वो कोई भी चीज़ को छीन लेती है ना, पता ही नहीं चलता है एंड अच्छे मोमेंट्स चले जाते हैं। कल जिस पेरेंट्स के साथ हम रहा करते थे आज वो हमारी लाइफ में नहीं है। मे बी यू आर वेरी लकी कि आपके दोनों पेरेंट्स हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ पीपल जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके फादर नहीं है एंड वो याद करके उस वक्त को, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बेटा किसी पेरेंट अपने मदर या फादर में से किसी को लूज़ कर पाना एंड इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि आप डेथ के सामने नहीं जीत सकते हैं। सो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही डिसअपॉइंटेड थे। मदर क्यों, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड को बहुत मिस करके उन्होंने लूज कर दिया था, उन्हें पता नहीं चला कि कब वो बड़ी हो गई और कब वो एजड हो गई। और डॉटर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को लूज कर दिया था, पता ही नहीं चला कि कल तो उनकी मदर उनके साथ हंसा करती थी, इंजॉय करा करती थी, लेकिन डेथ की रियलिटी, डेथ कब बिना बोले, कभी डेथ नॉक नहीं करता बेटा, बस अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह एंटर कर लेता है एंड सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। सो फर्स्ट आपने पैरा में देखा द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड फिर आपने यहाँ पे इनएविटेबिलिटी को देखा डेथ की, कि यू कांट डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ डेथ, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हम सबको किसी ना किसी को लूज करना है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब ये लाइन क्या है कि उनको कितने दिन हो गए हैं या कितने साल हो गए हैं गुजरे हुए, जो फोटोग्राफ में जो मदर की एज थी ना उनकी, बेटा जिस लड़की की वो बात कर रही है, सो फोटोग्राफ में उनकी मदर कितने साल की थी, 12 साल की। सो बेसिकली यहाँ पे नैरेटर क्या बता रहे हैं, ऑथर क्या बता रहे हैं कि 12 साल हो गए हैं उनकी माँ को गुजरे हुए। एंड मे बी बेटा आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लो डेथ की, बट जो पेन होता है ना किसी को लूज करने का, वो आपके हमेशा साथ रहता है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, स्पेशली द डेथ ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि वो सब कुछ होते हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। एंड अब मैं बात करूँ कि इस सर्कमस्टांस की जहाँ पे मैंने अपनी मदर को लूज कर दिया, सो मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आप किसी को किसी भी मैटर में कुछ भी समझा सकते हो बट डेथ के मैटर में आप बिल्कुल ही खामोश हो जाते हो। इस साइलेंस साइलेंसेस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो डेथ की साइलेंस है
जो मेरे मदर को लेकर चला गया एंड बिल्कुल ही एकदम साइलेंटली आया, साइलेंटली लेके चला गया। वो बिल्कुल मुझे भी खामोश कर चुका है और मेरी ज़िंदगी को भी। अब सिर्फ स्टिलनेस है, सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। सो कितनी इंटेंसिटी है बेटा इस पोएम में। एक डॉटर ने अपनी मदर को लूज़ किया है एंड शी डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि रियलिटी के अलावा कुछ और एक्सेप्ट करें। सो याद रखिएगा कि जो डेथ है वो है, वो आने ही वाला है, वो आएगा ही आएगा। एंड हम सब ट्रांजिएंट हैं, हम सब टेम्प्रेरी हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम सबको अपनी लाइफ को लूज करना है एंड नेचर जो होगा वो हमेशा रहेगा, बट हम ह्यूमन बींग्स मॉर्टल होते हैं, हमें एक ना एक दिन मरना ही मरना है। सो आई जस्ट होप कि ये पोएम आप लोगों को क्लियर होगा। एंड बेटा हम पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। बहुत डीपली नहीं जाऊँगी बेटा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैंने बहुत सारे पोएट्री डिवाइसेस पढ़े हैं, अप्रॉक्स 30-40। सो मैं आपको बहुत ही कम इजी वाले ही बताऊंगी। जैसे कि बेटा जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है इस पोएम में, वो एक है, देखती हूँ मैं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सबसे पहली जो पोएट्री डिवाइस यूज़ हुआ है बेटा वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी मोर देन वन वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट लेटर सिमिलर होगा सो वहाँ पे एलिट्रेशन आएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सॉरी ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो ओके, यहाँ पर स्टूड है बेटा, स्टूड एंड स्टिल। सो दोनों ही वर्ड किससे शुरू हो रहा है, स से, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ है एलिट्रेशन का यूज़, एलिट्रेशन का यूज़, ALLITERATION। मेरी राइटिंग बहुत बेकार है सो मैं स्पेशली आप लोगों को कोशिश करूंगी कि नोट्स जब मैं लिखूं तो किसी और से लिखवा कर, क्योंकि मेरी राइटिंग जल्दी किसी को समझ में नहीं आती, बहुत ही मैसी है, क्योंकि सभी मुझे कहते हैं कि मैं डॉक्टर्स जैसा लिखती हूँ। ओके ओके, सो यहाँ पे स्टूड स्टिल, यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सिमिलर है। अगर और भी होता स्टूड स्टिल स्माइल, अच्छा को यहाँ पर भी आ गया स्माइल, सो एस एस साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। बेटा एक और पोएट्री डिवाइस है जिसका यूज़ हुआ है एंड दैट इज़ कॉल एंजैबमेंट। देखो आराम आराम से लिख रही हूँ, ENJABMENT, एंजैबमेंट। एंजैबमेंट मतलब क्या होता है बेटा, एंजैबमेंट मतलब होता है कि अगर कोई लाइन, किसी पोएम की लाइन अगर पंक्चुएशन मार्क ना लगा हो, फुल स्टॉप, कोलन या सेमी कोलन, एंड विदाउट पॉज वो सेकेंड लाइन को कंटिन्यू करती है, सो वहाँ पे यूज़ होता है एंजैबमेंट। हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स, कंटिन्यूटी रही, अब यहाँ पे पैडलिंग की जगह पे पैडलिंग के बाद कॉमा यूज़ हुआ है तो यहाँ पर पॉज लगा है, सो यहाँ पे एंजैबमेंट यूज़ नहीं हुआ है, बट वॉज के बाद जब वेन से शुरू हुआ है बेटा तो यहाँ पे एंजैबमेंट यूज़ हुआ है। सो समझ में आया कि एंजैबमेंट क्या है। आप लोगों को अगर कुछ भी अगर अनक्लियर लग रहा है, डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए पोएट्री डिवाइसेस के एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी एंड आई ट्राई टू अपडेट सून। ओके, एनी अदर, अभी आपको, अब आप देखना कि और भी कहीं हैं जो एलिट्रेशन आपको दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेरिबल एंड ट्रांसेंट, TNT, ठीक है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, और कहीं यूज़ हुआ है कहीं पर और कोई, नहीं और तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ओके, बस ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे इस चीज़ को लेकर। ओके, बस दैट्स इट। अब मैं आपको पोएट्री डिवाइसेस और ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगी, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसीलिए मैं आप लोगों को
अपडेट करूँगी पोएट्री डिवाइसेस, जब आप लोग के 17, 16 जो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, सो आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद सारे अपने पोएम्स में सारे जितने भी पोएट्री डिवाइसेस ऑथर ने यूज़ किए हैं आपको पता चल जाएगा। एंड जिसको मैंने पढ़ाया है, जो कि और भी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, सो आप लोगों ने तो ईजिली फाइंड आउट कर लिया होगा कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हुए हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे बेटा, क्योंकि बाकी ये चैप्टर क्लियर है। याद रखिएगा कि ट्रांजेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया है, टेम्प्रेरीनेस जो है, जो इम्परमानेंस है, एंड परमानेंस ऑफ नेचर, नेचर हमेशा ही जिंदा रहता है। बेटा एक चीज़ ही लाइफ में कांस्टेंट होती है एंड दैट इज़ चेंज, बदलाव। बदलाव हमेशा आते हैं, ह्यूमन लाइफ जो होती है वो आती है और चली जाती है, बस नेचर रहता है। एंड डेथ की रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है एक्सेप्ट करने के अलावा। एंड बॉन्डिंग दिखाई गई है बिटवीन डॉटर एंड मदर, एंड सिर्फ डॉटर मदर की ही बात नहीं है बेटा, अगर हम अपने पेरेंट्स में से किसी को भी लूज़ करते हैं, चाहे वो सन है या डॉटर है, अपने फादर या मदर में से किसी को भी लूज़ करता है, सो जो एक पेन की इंटेंसिटी होगी वो सिर्फ वही समझ सकता है। कोशिश करिएगा समझने की कि शायद आप अंदर से ये फील करें कि मे बी वन डे इवन यू विल लूज़ समवन, सो उससे पहले try to understand their worth, just give them importance, show gratitude towards them, show thankfulness towards them, क्योंकि parents से ज़्यादा कोई और important नहीं होता हमारी life में, so आप उनकी बातें मानो, उनकी respect करो, उन्हें importance दो, क्योंकि you never know कब तक वो आपकी life में रहेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड बहुत सारे लोग हैं बेटा जो ये भूल चुके हैं कि अभी COVID-19 अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैं देखती हूँ स्पेशली टीनेजर्स को कि बिना मास्क के घूम रहे हैं मार्केट एरिया में, सो जस्ट प्लीज़ प्लीज़ टेक ऑल द प्रिकॉशंस, बिकॉज अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो मे बी आप रिकवर कर लो, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो, अगर आप चांसेस हैं आपके इन्फेक्टेड होने के, बट आपके पेरेंट्स या आपके घर में जो भी एजेड होंगे मे बी उनके चांसेस कम होंगे रिकवर करने के, यू नो वेरी वेल, सो प्लीज़ उनके लिए सारे प्रिकॉशंस लीजिए, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बिफोर वो टाइम आए कि डेथ आपके दरवाजे पर बिना नॉक किए एकदम बिल्कुल अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह धमक पड़े, जैसे कि हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं और बिल्कुल तहस नहस वाली चीज़ें हों। सो लाइफ में अफसोस नहीं होना चाहिए ना कि आपने अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी, टाइम नहीं दिया, दे जस्ट नीड योर टाइम, योर लव, योर केयर, योर एम्पैथी, सो जस्ट प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स टू देम, एंड दैट्स फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।